Good morning, dear students. Here we have a remaining part of this chapter. So, in our previous class, हमने अपने previous class में देखा था कि जो मोंटी है उसका भी नाम select हो जाता है तीन contestant में, है ना, मतलब प्रतियोगिता प्रतियोगी में. अब देखते हैं contestant one ने क्या दिया था. प्रतियोगी one ने अपने में क्या लिखा था. पहला था winged victories, मतलब कि जीत पंखों वाली पक्षी, ये हो सकता है ना, पक्षी पंख किसके होते हैं, पक्षी के ही होते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन है वो है विंग्ड विक्ट्रीज, मतलब कि जीती हुई. अब फर्स्ट है स्टोलन पैरेट वाज बॉट टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन अ न्यू दिल्ली. इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन. मतलब कि एक स्टोलन चुराया हुआ पैरेट को कहाँ लेके गया, बॉट ब्रिंग ले जाया गया कहाँ, कोर्ट में, है ना, कोर्ट में ले जाया गया. ये कहाँ की बात थी, ये न्यू दिल्ली की बात थी जहाँ पर उसे क्या बनाया गया, एक विटनेस के रूप में पेश किया गया. इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर, उसने अपने वास्तविक ओनर को पहचाना. किस तरीके से पहचाना है, बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के नाम को बार बार दोहराने से उसे पहचाना गया, उसने अपने जो रियल ओनर है उसको पहचाना. ओके, हुआ ना एकदम अनोखा सा बात कि एक पक्षी को कहाँ ले जाया गया, एक कोर्ट में. कभी आपने सुना है कि किसी पक्षी को कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर हुआ है, किसके लिए हुआ है, एक पैरट के द्वारा. ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे इसी का ही. इन 1936 ए हैन वॉज ट्रैप्ड इन अ क्रेट व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ अ गेंसविलिया जॉर्जिया. 47 डेज लेटर इट वॉज रेस्क्यूड एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाई ईटिंग इट्स ओन एग्स. अब नेक्स्ट एक दूसरे पक्षी के बारे में बताया गया. ये कब की बात है, 1936 की बात है, जहाँ पर एक पक्षी को किस में ट्रैप्ड, मतलब कि फंसाया गया, किस में, जाल में, क्रेट. हेयर इज द मीनिंग ऑफ पिंजरा जो कहते हैं ना, एक पिंजरे में उसे पकड़ा गया, ट्रैप्ड किया गया. व्हेन द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द टाउन ऑफ द ग्रैंड ग्लेशिया जॉर्जिया. जॉर्जिया में एक ग्रैंड ग्लेशिया करके टाउन है, उसको एक स्टॉर्म जो है, मतलब कि एक बड़ा भयंकर तूफान आया जिसने उस पूरे शहर को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. जॉर्जिया की बात है ना. 47 डेज लेटर मतलब कि 47 डेज के बाद इट वॉज रेस्क्यूड, उस पक्षी को क्या किया गया, बचाया गया. एंड इट हैज सर्वाइव्ड बाय, और वह कैसे जीवित था, स्वयं के एग को खाकर, है ना, अपने खुद के एग को खाकर वो क्या था, इतने दिन तक जीवित था, 1.5 महीने तक, जब वहाँ पर पूरा जो शहर है वो स्ट्रॉम तूफान की वजह से क्या हुआ, ख़त्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. वहाँ पर एक पक्षी जीवित था, कैसे जीवित रखा उसने अपने आप को, अपने ही अंडे को खाकर. ओके, सो हियर इज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दैट्स वाई द कंटेस्टेंट वन टाइटल इज विंग्ड विक्ट्रीज. इस वजह से उन्होंने इस टाइटल का नाम लिखा विंग्ड विक्ट्रीज, है ना. दोनों ने अपने तरीके से अपने जो जो वहाँ पर जो हो रहा था उस चीज़ से क्या किया, उन्होंने जीत हासिल की. इस वजह से इसका नाम हुआ विंग्ड विक्ट्री, और दोनों ही कैसे थे, एकदम आश्चर्यजनक तरीके से जीते. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.